नमस्कार, मैं हूँ ट्विंकल और आप देख रहे हैं निशन भारत। आज आपको बताएंगे साल के लग रहे पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। साल 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण रात 10:37 से शुरू होगा, जो रात में 2:42 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण लगने की कुल अवधि 4 घंटे से अधिक की रहेगी। इस ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। जहां 10 जनवरी को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, वहीं इस दिन पौष पूर्णिमा व्रत भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, लेकिन खास बात यह है कि इसी दिन चंद्रमा पर ग्रहण भी लग रहा है। हिंदू ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व होता है। आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष जो है सूर्य देव का महा कहलाता है। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष सूर्य जो है देव का माह कहलाता है। इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूंकि पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम होता है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों का पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में कोई बाधा नहीं आती है। वही साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण न होकर उपछाया ग्रहण होगा। इसमें चांद पूरी तरह नहीं छिपता है। वैसे ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण में सूतक काल नहीं लगता है। इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल ना लगने की वजह से मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं किए जाएंगे और ना ही पूजा पाठ वर्जित होगी। 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण के साथ पौष पूर्णिमा पड़ने की वजह से इस दिन ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान दान करना बेहद शुभ होगा। इसके साथ ही बता दें कि साल 2020 का पहला चंद्र ग्रहण मिथुन राशि में लगने जा रहा है, इसलिए महिलाओं पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा। वही काल पुरुष के तीसरे भाव में ग्रहण लगने की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का संकट भी बढ़ सकता है। ज्योतिषों की माने तो ये ग्रहण भारत के दूसरे भाव में लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है 29 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। इस बार का चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर प्रभावित करेगा। वही बात करें पौष पूर्णिमा की, तो इस दिन स्नान दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी मिलता है। पौष पूर्णिमा पर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर स्नान और धार्मिक आयोजन होते हैं। पौष पूर्णिमा से तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। इस स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल निशन भारत को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल निशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।